नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट, जहां एंटरटेनमेंट से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती हैं और मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल जी। बात की जाए अगर विक्की कौशल की, तो विक्की कौशल अपनी शादी के साथ साथ अपनी अपकमिंग फिल्मों के लिए भी सुर्खियों में है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि विक्की कौशल ने कुछ देर पहले अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वो एक मिलिट्री अवतार में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने सैम बहादुर जो हमारे इंडियन ऑफिसर थे, मिलिट्री ऑफिसर, और साथ ही साथ जो हमारे इंडियन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और साथ ही साथ फील्ड मार्शल थे आर्मी के, उनकी फोटो उस लुक में उनकी बायोग्राफी को वो प्ले करने जा रहे हैं बड़े पर्दों पे। और साथ ही आपको बता दें कि उसके उस मूवी का पोस्टर उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया था, और उसके बाद जहां तक देखा जाए उस पोस्टर को काफी ज्यादा प्यार मिल रहा था। और अगर बात की जाए तो मार्च महीने से इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, बट हाल फिलहाल में मेकर्स ने भी बताया कि पिछले साल ही शूटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, बट ड्यू टू कोरोना वायरस के केसेस जो बढ़ रहे थे उसकी वजह से नहीं हो पाई। बट कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि काफी सारी जो फिल्में हैं विक्की कौशल की कतार में है। और हाल फिलहाल में हमने उन्हें देखा जो सरदार उधम सिंह मूवी में, उन्होंने कितना अच्छा करेक्टर प्ले किया था, और उनकी जो वर्सिटैलिटी है और जिस हिसाब से वो करेक्टर को चूज करते हैं, इसीलिए उन्हें उस करेक्टर में जो उन्होंने इतना अच्छा रोल प्ले किया था उसी की वजह से उन्हें मूवी सैम बहादुर उन्होंने ऑफर की है। साथ ही साथ बता दें कि जो सैम बहादुर का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा प्ले करना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पद्म विभूषण जैसे बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, तो उनकी बायोग्राफी को, उनका रोल को प्ले करना कैमरा पे काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंट होगा। विक्की कौशल कैसे इस किरदार को निभाते हैं ये हमें मूवी को देखने में मिलेगा, तो आपको कैसे लगी जानकारी हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।